सेशन नंबर 13 है। अभी तक आपके 12 सेट जो है हो चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उससे जाकर देख सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेट पेपर आपका जो है 13, सेट पेपर 13 है, ठीक है, जिसमें हम 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व आपका जो है 20 क्वेश्चन यूपी जीके के क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। डेली लाइव सेशन होता है आपका 8 PM, ठीक है, डेली होता है, ठीक। लाइव स्ट्रीमिंग रहती है। ब्रह्मास सेट पेपर ये 13 है, अभी तक आपके 12 हो चुके हैं। तो शुरू करने से पहले जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये जो आपकी ब्रह्मास्त्र क्लासेस हैं, इंद्रेश जी राम राम, तो आपकी जो ब्रह्मास्त्र सेट की जो क्लासेस हैं सेट पेपर की, ठीक है, इसका जो वीडियो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बाकी आपका जो है जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो डायरेक्टली जो है परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट व एप्लीकेशन पर जाकर। राधे राधे लोकेश लोधी जी, ठीक है, तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें 60 सेट पेपर मिलेंगे। ब्रह्मास्त्र 20 फुल लेंथ हैं, 40 टॉपिक वाइज सेट हैं, और प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगी, और 65 क्वेश्चन कृषि, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन यूपीजी के, सारा कुछ कवर करने वाले हैं इसमें। और प्राइस है मात्र ₹249। जिसने नहीं खरीदा है वो खरीद सकते हैं इसे। पीडीएफ आपकी पेड है और बाकी आपके वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ एक आपको जानकारी देना चाहते हैं कि एक से एक थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से चला गया है। वो वजह है उनकी जो है, कंपनी जिस कंपनी से बनवाया है उनकी गलती की वजह से चला गया है, ठीक है। तो अभी एक हफ्ता और लग रहा है, प्ले स्टोर पर जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, या डायरेक्टली विजन एग्री अकेडमी .in वेबसाइट पर आ जाइए, ठीक है। आज हम लेट हैं, आज लेट इसलिए हैं, थोड़ा सा क्या हुआ, ये सेटअप जो है आपका वो बन नहीं रहा था, है ना। कभी कभी क्या रहता है, मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं हम, तो लाइव क्लास में वो मतलब कि फिर उसको मोबाइल कैमरे को आपका कंप्यूटर से तैयार कनेक्ट करो, ठीक है, सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में लेट हो गए आज, ठीक है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो आज आपका डे है 13, या फिर कहें आपका जो है आज जो है 13 वहाँ सेट पेपर है, डे 13 है। डे 13 में अन्य फसलें, या फिर कहें जो फसल उत्पादन के अन्य क्वेश्चन हैं उनको हम आज कवर करेंगे। कंप्यूटर उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को आज हम कवर करने वाले हैं। डे 13 सेट पेपर आज कराने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को जो है शेयर कर दीजिए आप लोग सभी जी लोग, ठीक है। तो जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे, नीचे लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट भी है हमारी विजन एग्री अकेडमी .in, वहां से जो है विजिट कर सकते हैं, ठीक। और आपका जो AGTA के लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। ई बुक्स सारी की सारी, आपके प्रैक्टिस MCQ 40+ आपके जो है आपके टेस्ट शुरू हो गए हैं, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन लगभग 1 महीना हो गया है। पहले क्या था, हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते थे, सारे ऑफलाइन बैचेस सुबह हमारे 7 बजे से आपका 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ऑफलाइन बैचेस रहते हैं, ऑफलाइन क्लास रहती है। तो आप लोग जो कॉल करते हैं 7 से 10 के बीच कॉल मत किया करिए, क्योंकि उस टाइम हम क्लास में होते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन की तरह हमने ऑनलाइन भी आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारे जो बच्चे हैं, या फिर कहें हमारी जो क्लासेस हैं, हमारे एक जिले में ना सिमट के रह जाएं, सभी को हमारी क्लासेस मिलें और सभी के लिए बढ़िया से आपके लिए है हेल्प कर सकें, ठीक है। तो आपका जो है लाइव रिकॉर्डेड ई बुक प्लस प्रैक्टिस सेट, आपका जो है 40+ टेस्ट, प्राइस कितना है 1299 है, लेकिन इसमें 25% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 25% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए उड़ान 25 कोड आपको लगाना है, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारे नंबर है 7880497104, और साथ में साथ हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप जो है विभिन्न परीक्षाओं की, चाहे आपका AFO हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा
परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहां से टेस्ट सीरीज आपको ले सकते हैं या कोर्स ले सकते हैं। ठीक, फ्री एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए है तो ये भी आपका कहाँ पर मिल जाएगा, विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आगे टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू कर दी है आप सभी की डिमांड पर। टेस्ट सीरीज में आपको 40 फुल लेंथ, यहाँ पर 20 नहीं है 40 है, ठीक है 40 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है 40 बहुत होते हैं, है ना, 40 अगर कि आपको फुल सेट दे दिए, ये टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं होंगे, ये 40 फुल लेंथ जो रहेंगे वो टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे, ये पूरे के पूरे सिलेबस से रहेंगे, मतलब 4000 क्वेश्चन ये हो गए अलग, आपके 40 सेट जो है वो है आपके टॉपिक वाइज 4000, वो हो गए 8000 क्वेश्चन। ठीक है 20 सेट और अलग है तो वो आपके हो गए, तो लगभग आपको 10000 के समथिंग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे केवल सेट पेपर और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, है ना। तो इतना आपको 10000 क्वेश्चन अगर कि आप तैयार कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक 10000 क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। ठीक 50 टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है टेस्ट सीरीज मात्र 299 में आपकी अवेलेबल है, पूरा AGTE को समर्पित है ये, किसी भी कोर्स का आपका कॉपी नहीं किया गया है, या फिर कहें किसी भी एग्जाम को आपका एक, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि नोट्स हैं AFO के दे रहे हैं AGTE वालों को, नोट्स हैं राजस्थान के दे रहे हैं AGTE वालों को, तो ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पूरा नोट्स जो आपके प्रिपेयर किए गए पूरा AGTE के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। ठीक है और कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स, ठीक है ये नोट्स जो है आपके कृषि के कंप्लीट नोट्स हमारे बन चुके हैं। ठीक है जिसके ऑर्डर हम रिसीव करेंगे आपका मंडे से, मंडे को हम एक लिंक क्रिएट कर देंगे जिसके माध्यम से आपका एप्ली नॉर्मली आप जो है अपना पेमेंट कर पाएंगे, साथों साथ एड्रेस दे पाएंगे। ठीक है जहां पर आपका जो भेजाना है, और ये जो आपकी मतलब कि कृषि की जो नोट्स हैं ये आपके हार्ड कॉपी में रहेंगे और जिसका प्राइस रहेगा आपका 1500, PDF में तो आपका 500 रुपए है, विथ डिलीवरी चार्ज आपका 1500 रुपए पे करना होगा, डिलीवरी हमारी तरफ से रहेगी। ठीक है सारा कुछ डिलीवरी चार्ज के साथ 1500 रुपए आपको पे करने हैं आपके प्रिंटेड के लिए। और यदि जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो 499 रुपए में आपको PDF नोट्स अवेलेबल है, ये आप जो है एनरोल कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट पे जो है लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जो है ई बुक ले सकते हैं। और ये सारी की चीजें आपकी प्रिंटेबल फॉर्म में, मतलब ये जो आपका कृषि है कंप्यूटर और UPGP की, ये सारे नोट्स आपके किस में रहेंगे, प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे। और जो बच्चे 1500 वाला ये वाला पोर्शन पार्ट खरीदेंगे उनको ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, है ना। ई बुक आपका जो कोर्स है ई बुक वाला ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब 500 रुपये ये हो गए आपका, लगभग 300 रुपये डिलीवरी चार्ज आता है, ठीक 800 हो गए, और जो हमें मतलब कि ये कहें प्रिंटेड का भी कुछ खर्चा आता है। ठीक तो ये सारा कुछ आपका मिला के 1500 रुपये आपको पे करना होगा हमें। ठीक है जिसका लिंक हम क्रिएट कर देंगे आपका मंडे को, ठीक मंडे से आपका जो है डायरेक्टली आपका लॉन्च ही कर देंगे आपका पूरा प्रिंटेड नोट्स, ठीक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बातें बहुत हो गई, प्रमोशन बहुत हो गया, अब चलते हैं अपने जो है मेन मुद्दे पर, हमारे सेट पेपर की ओर। अब भैया देखो प्रमोशन तो थोड़ा बहुत बनता है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपके बारे में बताना, आपके लिए बताना चाहिए ना। ठीक है तो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आपका जो है डेली चलता है, आपका मंडे टू सैटरडे, ठीक आपका सोमवार से शनिवार डेली आपकी क्लासेस रहेगी सेट पेपर वाली। ठीक है और जैसे ही डे 60 खत्म हो जाते हैं तो आपका जो है फुल लेंथ जो है शुरू किए जाएंगे। और बाकी जो बच्चे लिखते हैं ना कमेंट में कि प्रमोशन करते हैं 10 मिनट प्रमोशन होता है, तो भैया आप लोग स्किप कर दिया करो, है ना, जिसको प्रमोशन पसंद ना हो वो स्किप कर दिया करें कृपया करके। ठीक है और डायरेक्टली अपना इस पर आ जाएं। ठीक है कमेंट पे फालतू चीज़ें ना लिखें, ये चीज़ ठीक विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने देखा है बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप प्रमोशन करते हो, देखो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो खुद प्रमोशन करते हैं। ठीक है और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने काम के बारे में बताना भी तो ज़रूरी है ना।
आप लोग जब तक पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं चीज़ों को, तो कैसे आप लोग जो है आगे बढ़ोगे। देखो मैं अपनी बड़वारी नहीं मार रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं ना, पूरा AGTA का सिलेबस को देखते हुए तैयार किए हैं। बिल्कुल कोई भी आपका जो है कुछ भी छोड़ के आप छूटा नहीं है, और कोई भी मैंने यहाँ वहाँ से नोट्स नहीं दिए हैं। मतलब ये कि मैंने ये देखते हुए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि सारा सारा AGTA में जाना चाहिए। और जो बच्चे हमारा जो PDF कोर्स खरीदेंगे ना, ई बुक वाला, उन लोगों के लिए मैं गारंटेड दे रहा हूँ कि 10,000 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ केवल टॉपिक से, ठीक है? तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको थ्योरेटिकल नोट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में साथ आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स भी मिलेंगे, ठीक? तो पहला क्वेश्चन है कृषि भाग एक का, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एरोमा इन राइस। निम्नलिखित में से कौन सा चावल में सुगंध से संबंधित है? टू एसिटाइल वन पायरोलिन, इरुसिक एसिड, थियोएस्टर या लिनोलेनिक एसिड। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। प्राइस थोड़ा कम कर दो, देखो कम ही है, ठीक है? प्राइस कम ही है भैया, ठीक है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, कौन सा जो है चावल में सुगंध का से संबंधित है? सभी ने देखो ए लिख दिया है, ए। टू एसिटाइल वन पायरोलिन, टू एसिटाइल वन पायरोलिन जो है क्या है आपका जो है एरोमा के से संबंधित है, किसमें आपका चावल में या फिर सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है, प्रश्न नंबर दो, आज का टेस्ट बाइलैंगुअल है। क्वेश्चन नंबर दो है, लूसर्न येलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ल्यूसर्न पीलापन एक शारीरिक विकार है, यह किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, बोरॉन, जिंक या आयरन, किसकी कमी के कारण होता है? बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, इरुसिक एसिड मस्टर्ड में पाया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा, किसकी कमी से ल्यूसर्न में पीलापन होता है? तो भैया जो ल्यूसर्न में पीलापन एक शारीरिक विकार जो होता है वो किसके कारण होता है आपका, बोरॉन के कारण, बोरॉन की कमी के कारण होता है, ठीक? दक्षिण पूर्व एशिया में धान की तीन प्रजातियां उगाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा धान की तीन प्रजातियां होती हैं, ये लिख रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ टमाटो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग। रोपाई के दौरान टमाटर की बीज दर क्या होती है? 500 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर, 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर या 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। अस अमन बोरो, हाँ बिल्कुल। तो भैया यहाँ पर बात करें सही आंसर की, तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है रोपाई के दौरान बीज दर प्रयोग की जाती है, किसकी आपकी, टोमेटो की। 1000 से 1500 नहीं होगा भैया, यहाँ पर आपका क्या होगा, 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, ठीक है? हाइब्रिड लिख रहे हैं, 100 से 150 ग्राम लिखो ना यार, 1500 क्यों लिख रहे हो लोकेश जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चार, प्रश्न नंबर चार है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ इन वर्ल्ड। भारत विश्व में जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता किसका, दलहनी फसलों का, गेहूं, गन्ना या धान। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा तो भैया उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, किसका आपका, दलहनी फसलों का, किसका बच्चों, दलहनी फसलों का। अब देखो एक बच्चे कल कमेंट में लिख रहे थे कि सर एक एक ऑप्शन को डिस्क्रिप्टिव कर दिया करो, ठीक है? तो देखो डिस्क्रिप्टिव तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपका जो क्लास जाएगी वो 3 से 4 घंटे की जाएगी, मंजूर हो तो मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक एक ऑप्शन को समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन क्लास जाएगी 3 से 4 घंटे की, और जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है? जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक? 4A पल्सेस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांच है,
वेराइटी ऑफ मैंगो इज सुइटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, आम की किस्म उच्च घनत्व के रोपण के लिए उपयुक्त है, आम्रपाली, चौसा, दशहरी या हिमसागर। कौन सी वेराइटी जो है उच्च घनत्व रोपण के लिए क्या है उपयुक्त है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो भैया बात करें आम्रपाली की, तो आम्रपाली हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह कैसी होती है, छोटी हाइट वाली होती है। कैसी होती है, हाइट इसकी क्या होती है, छोटी होती है। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो बच्चों कि यह किसका क्रॉस है, आपका जो आम्रपाली है ये किसका क्रॉस है। आम्रपाली दशहरी और नीलम, देखो बहुत बढ़िया, आम्रपाली किसका क्रॉस है आपका, दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक, दशहरी और नीलम का क्रॉस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छह है, प्रश्न नंबर छह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ग्रासी सूट डिजीज ऑफ सुगर केन, निम्नलिखित में से कौन गन्ने में के ग्रासी सूट रोग का कारण है, फंगस, कवक, वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। बताइए जो ग्रासी सूट डिजीज होती है उसका कारण क्या है, किसमें आपका, गन्ने के अंदर, ठीक है, गन्ने में जो आपकी ग्रासी सूट डिजीज होती है वो किस कारण से होती है। सर आपको और मेरे सभी भाइयों को हापुड़ वालों की तरफ से नमस्कार, नमस्कार राहुल कुमार जी, बताइए जल्दी से किससे होती है माइकोप्लाज्मा। देखो लखीमपुर खीरी वालों का आंसर आ गया है डी 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 डी, किससे होती है भैया, माइकोप्लाज्मा से होती है, किससे होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है, प्रश्न नंबर सात है, नंदिनी इज अ हाइब्रिड टी टाइप पॉपुलर वैरायटी ऑफ, नंदिनी एक संकर चाय प्रकार की लोकप्रिय किस्म है, किसकी किस्म है भैया, ऑप्शन ए है आपका जैस्मिन की, चमेली की, ऑप्शन बी है आपका ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है आपका जो है गुलाब, ऑप्शन डी है आपका जो है गेंदा। बताइए आंसर क्या होगा, जो नंदी है टी टाइप में इसकी, पहला ब्लाइट मैग्नीज की कमी से, हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा, यहां पर आपका जो नंदिनी है एक हाइब्रिड टी टाइप वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी किसकी है ये, तो भैया ये वैरायटी है आपकी गुलाब की, रोज की है ना, किसकी है, गुलाब की है, गुलाब की है, सेवन ए नहीं होगा, चमेली नहीं होगा, चमेली नहीं होगा, गुलाब पे आ जाओ आपका, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है, इंद्रेश राज ए नहीं होगा, सी होगा, है ना, सी होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अब आपको जो सारे सेट मिलेंगे ना बाइलैंगुअल मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या था बच्चों की डिमांड नहीं थी, अब बच्चों की डिमांड है कि बाइलैंगुअल चाहिए सर, तो इस वजह से हम बाइलैंगुअल सेट अब बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा इज एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा का एक महत्वपूर्ण कीट है मक्का का, ग्राम या बेंगल ग्राम का, चना का, राइस धान का या गेहूं का। भैया ये तो सबको पता होगा, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा पॉड बोरर या फिर कहें फली छेदक, बहुत फेमस कीट है, बहुत सारी फसलों में लगता भी है, तो यह चने से संबंधित है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नाइन है, प्रश्न नंबर नौ है, एप्पल इज नॉर्मली प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ, सेब को सामान्यता के अंतराल पर लगाया, 6x6 मीटर, 4x4 मीटर, 1x1 मीटर, 2x2 मीटर, कितने अंतराल पर सेब को लगाया जाता है या रोपित किया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। सिसर एरिटिनम,
हाँ बहुत बढ़िया, बताइए आंसर क्या होगा आपका। सेब को सामान्यतः कितने अंतराल पर बोया जाता है? तो 6 × 6 मीटर की दूरी पर जो है हमारे जो सेब है उसको बोया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है, कैबेज इज अ वेजिटेबल, पत्ता गोभी एक सब्जी है, पेरिनियल बहुवार्षिक, बायनुअल द्विवार्षिक, समर ग्रीष्म ऋतु की, ठंडे मौसम की। बताइए आपकी जो पत्ता गोभी है यह कैसी है, आपकी बहुवार्षिक है, द्विवार्षिक या समर या ग्रीष्म ऋतु वाली है पत्ता गोभी? पत्ता गोभी कैसी है, बायनुअल है पेरिनियल है, बताइए। बताइए जल्दी से, द्विवार्षिक है और बायनुअल है और यहां पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो यहां पर दो आंसर सही है। एक तो देखो कौन सा सही है, एक तो आपका जो सही है वो है आपका द्विवार्षिक, बायनुअल भी है और ठंडे मौसम की भी है ना, कैसी है, द्विवार्षिक भी है और ठंडे मौसम की भी है, ठीक है। तो ये चंदौली की धरती से दिल से नमन आपके लिए। अरे अवनीश कुमार जी ऐसे नहीं करते है ना। तो ये जो आपकी कैबेज है ये एक नॉर्मली कैसी है, कोल क्रॉप है। कोल क्रॉप मतलब आपकी जो है ठंडी वाली फसल, और साथ में साथ कैसी है, द्विवार्षिक भी है। तो यहां पर यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन यहां पर सही हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। आपका विंटर भी है और बायनल भी है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया, मुक्ता पूसा मुक्ता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, JS 335 एंड JS 9305 आर हाई यील्डिंग बेर पॉपुलर वेराइटी ऑफ। JS 335 और JS 9305 उच्च उपज देने वाली लोकप्रिय किस्में गन्ने की, सुगर कैन, वीट, गेहूं, सोरगम, ज्वार या फिर कहें सोयाबीन की, किसकी किस्में हैं ये, किसकी किस्में हैं? बहुत अच्छे, बहुत, जब आप लोग कमेंट में इतना भर देते हो ना बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो है कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा काम आ रहा है बच्चों के, है ना, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सभी के थोड़ा काम आ रहा है। सी 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 सोयाबीन, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन डी सोयाबीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे नमन, देखो मैं कोई वो नहीं हूँ कि नमन कर रहे हो आप, देखिए अवनीश मौर्य जी मैं तो आपके लिए बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, नमन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे अवनीश जी बुरा मत मानिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं आपको जो करना चाह रहा हूँ ना वो पूरा भी नहीं कर पा रहा हूँ, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसमें। यार ये नमन मत बोला करो, मैं भी आपकी एजी का हूँ, ठीक है, लगभग 20-26 एज है मेरी, है ना, तो ये मत भूला करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर सोयाबीन सही आंसर हो जाता है। नमन करना है तो उस प्रभु को कीजिए, ठीक है, जिनने हमें काबिल बनाया है। अरे हमें और यूट्यूबर से जरूरत, देखो कंपेयर नहीं करना है, हमें अपना काम करना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जीन सिक्वेंस्ड क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी पहली जीन अनुक्रमित फसल है, बाजरा, धान, आपका जो है राइस, मक्का या गेहूं, बताइए आंसर क्या होगा। आपकी जो है पहली जीन अनुक्रमित या जीन सिक्वेंस्ड क्रॉप कौन सी है, बताइए आंसर, ए बी सी और डी। जय हिंद रवि यादव जी, जय हिंद।
एनआरसी ऑफ सोयाबीन कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि सभी जो बीज दल लिख रहे हैं, ऐसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से, है ना। तो भैया पहली जो अनुक्रमित या फिर कहें सिक्वेंस क्रॉप डेवलप की गई थी आपकी जो है राइस में डेवलप की गई थी, आपका जो है धान में, ऑप्शन बी। फर्स्ट जो आपकी सिक्वेंस क्रॉप है या फिर कहें पहली जीन सिक्वेंस क्रॉप है, वह कौन सी है आपकी? जो है धान है। क्या है आपके? धान है, ठीक। मक्का नहीं है, धान है, ठीक है। राइस है। क्या है? राइस। ऑप्शन बी सही यहां पर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य फसल है? सोरघम, ज्वार, वीट, गेहूं, मक्का या फिर कहें धान। भारत की कौन सी जो है मुख्य खाद्य फसल है? बता दो आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? और ये भी बता दो। अवनीश मौर्य जी चेक कर लिया है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है इसे। अवनीश मौर्य क्रॉस चेक कर लिया है, राइस ही है ना, धान ही है। आप लोगों के बोलने से पहले ही मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि बच्चे अगर कि डी सी आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के बोले सब, ज्यादातर बच्चे जब सी आंसर कर रहे थे तो उस टाइम मैंने खुद चेक कर लिया था, क्रॉस चेक कर लिया था, इसका आंसर आपका जो है राइस ही है, ठीक है। आंसर देखो डी, राइस आने लगा है, बिल्कुल सही आंसर है। और ये बताओ विश्व में जो है खाद्य पदार्थ कौन सा है? वीट। वर्ल्ड, देखो मनीष कुशवाहा जी ने लिख दिया है कि विश्व में आपका जो है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य फसल वो है आपकी गेहूं, और भारत में है धान। भारत में धान, विश्व में आपकी जो है गेहूं। राम राम ब्रदर, कोई बात नहीं, आ जाइए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कॉर्न स्मट। निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्न स्मट का कारण है? अस्टीलैगो टिटिसी, अस्टीलैगो हॉर्डेई, पायरिकुलेरिया ओराइजा, अस्टीलैगो मेडिस। जो आपका कॉर्न स्मट होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण किस कारण से होता है बताइए। आंसर ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा यहां पर सही आंसर? डी बिल्कुल सही है, आपका अस्टीलैगो मेडिस के कारण जो है आपका कॉर्न स्मट होता है। किसमें होता है? मक्का में होता है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, विच क्रॉप इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सोयल इरोजन। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावी है? गेहूं, वीट, रेड ग्राम, अरहर, जूट आपका और कपास या कॉटन। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? कौन सी फसल जो है मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में प्रभावी है? तो भैया यहां पर देखो कपास तो बहुत दूर दूर बोया जाता है, ये तो नहीं हो सकता। गेहूं होगा नहीं, ठीक, कपास होगा नहीं, जूट और अरहर में से बताओ। तो भैया जूट तो खुद पानी में उगता है तो जूट भी नहीं होगा, तो बचा क्या? अरहर। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाता है? अरहर या रेड ग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है? अरहर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर भी करते जाइए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सेशन को क्या करते जाइए? शेयर भी करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, पूसा रत्न इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा रत्न एक किस्म है गेहूं की, वीट, मूंग बीन, मूंग की, बाजरा या फिर कहें धान की। किसकी किस्म है पूसा रत्न? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। पूसा रत्न किसकी किस्म है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए।
तो भैया जो पूसा रत्ना है ये मूंग बीन की या फिर कहें आपका ग्रीन ग्राम या फिर कहें मूंग की किस्म है। किसकी किस्म है? आपकी मूंग की किस्म है पूसा रत्ना। पूसा रत्ना किसकी किस्म है बच्चों? मूंग की किस्म है, मूंग की किस्म है, ठीक है। किसकी किस्म है आपकी? मूंग की किस्म है। पूसा रत्ना मूंग की किस्म है, ठीक। मूंग, मूंग बीन देखो सभी ने लिख दिया है, मूंग बीन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समर क्रॉप पोटैटो, ग्रीष्मकालीन फसल आलू, खरीफ क्रॉप राइस, खरीफ फसल चावल, जायद क्रॉप ग्रीन ग्राम, जायद फसल मूंग, रबी क्रॉप वीट, रबी फसल गेहूं। बताइए यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो ऑप्शन पढ़ के ही हमें जो है दिख रहा है कि भैया हमारा जो पटेटो है वो ग्रीष्मकालीन नहीं है, आलू आपका गर्मी वाली फसल नहीं है, कैसी है? ठंडी वाली फसल है। कैसी फसल है बच्चों? ठंडी वाली फसल। तो समर क्रॉप पटेटो या फिर कहें ग्रीष्मकालीन जो है आपकी नहीं है, जबकि कब की है? शीतकालीन या ठंडी वाली फसल है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले सीड इज यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ। गेहूं और जौ के बीज का गर्म पानी उपचार किसके नियंत्रण के लिए उपयोगी है? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, पाउडरी फफूंद के लिए, कवर स्मट आपका रस्ट या रतुआ के लिए, लूज स्मट के लिए या ढीला कंडुआ के लिए, किसके लिए उपयुक्त है? बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जो आपका गेहूं और जौ के बीज का गर्म पानी उपचार किसके लिए उपयुक्त होता है? ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। राम राम यादव एग्रीकल्चर, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, डी लूज स्मट। ढीला कंडवा जो होता है ये आपका बीज जनित रोग होता है। कैसा होता है? बीज जनित रोग होता है। इसके जो एक है नियंत्रण के लिए हम गर्म पानी उपचार देते हैं लूज स्मट के नियंत्रण के लिए, यहां पर लूज स्मट सही आंसर हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका, इन विच फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट इज डेवलप्ड इन ईयर 1982। वर्ष 1982 में कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियर पौधा विकसित किया गया था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोमेटो, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी टमाटर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वीट, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गेहूं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पोटैटो, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी आलू और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको या एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू। कौन सा पौधा जो है 1982 में जो है पहला अनुवांशिक इंजीनियरिंग पौधा था? बताइए आंसर। इंटरनल सीड बोन, हाँ बहुत बढ़िया। टोबैको, टोबैको देखो आंसर लगा है, पढ़ा है पर याद नहीं, कोई बात नहीं। पर जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस टोबैको होगी, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू होगी, ठीक है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है, मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड पल्स इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली दाल है मसूर, मटर, चना या फिर कहें अरहर। किसकी खेती सर्वाधिक होती है भारत के अंदर? किसकी खेती सर्वाधिक होती है भारत के अंदर? जल्दी से लिख दो, ए बी सी या फिर डी। और जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने जो एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं उनमें, ठीक है। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आप लोगों के लिए ही थोड़ा सा बेटर सेशन लेने के लिए हमें प्रेरित करेगा, है ना। आप लोग जितना शेयर करोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए जो है हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक। देखिए सी आ गया है, चना। चना जो है सबसे ज्यादा आपका भारत में ही नहीं, आपका जो है विश्व में भी उगाया जाता है। कौन? आपका चना या ग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
21, 21 मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इमिजन इन इंडिया इज, भारत में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है मेज फील्ड मक्का के खेत, व्हीट फील्ड गेहूं के खेत, राइस फील्ड चावल के खेत, फ्रूट ऑर्चर्ड फलों के खेत। बताइए आपका जो मीथेन गैस है कहां से निकलती है? तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि मीथेन गैस कहां से निकलती है आपकी, जो है राइस या फिर कहें चावल के खेत से निकलती है। कहां से निकलती है? चावल के खेत और दलदली भूमियों से निकलती है। चावल के खेत से या दलदली भूमियों से जो गैस निकलती है वह कौन सी है? मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। ठीक, हमें जो है आप लोग थोड़ा सा इतना शेयर कर दीजिए कि आज 47 लोग जुड़े हैं, कल आपके जो है कर लगभग 60 से 70 लोग जो है जुड़ जाएं कल के सेशन में। ठीक है, इतना तो आप लोग शेयर कर ही सकते हैं। आपके फेसबुक ग्रुप होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप होंगे, उनमें शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन वर्ल्ड, निम्नलिखित में से क्या विश्व में सर्वाधिक व्यापक रूप से फैला है? ब्रैसिका रेपा, ब्रैसिका निग्रा, ब्रैसिका कैरिनाटा, ब्रैसिका जुन्सिया। बताइए किस सरसों की खेती सर्वाधिक होती है भारत में? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। कौन सी सरसों की प्रजाति सर्वाधिक उगाई जाती है भारत में? ए बी सी या फिर डी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आंसर क्या होगा। पहले तो मैं इसके जो है बॉटेनिकल नेम लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या लिख दे रहा हूं? बॉटेनिकल नेम। ठीक, सॉरी सामान्य नेम, ये तो आपके बॉटेनिकल नेम लिखे ही हैं, सामान्य नेम मैं लिख इस पे लिख देता हूं। इसे हम जो है रैपसीड बोलते हैं, रैपसीड। ठीक, ब्रैसिका निग्रा, आपका जो ब्रैसिका निग्रा है इसे नॉर्मली आपका सामान्य मस्टर्ड या फिर कहें आपका जो है मस्टर्ड के रूप में जानते हैं। और आपका जो ब्रैसिका कैरिनाटा है, ठीक है, ये भी आपका इथोपियन मस्टर्ड है, सॉरी ये आपका जो है ब्लैक, सॉरी आपका जो ब्रैसिका निग्रा है ये ब्लैक मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है। ठीक है, ये आपका इथोपियन मस्टर्ड है, इथोपियन मस्टर्ड है। और जो आपका ब्रैसिका जुन्सिया है इसे हिली मस्टर्ड की राह में जाना, ब्रैसिका जुन्सिया को इंडियन मस्टर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड जो होता है आपका वो कौन सा होता है? आपका ब्रैसिका जुन्सिया। ब्रैसिका रेपा आपका रैपसीड है। ठीक है, भारतीय सरसों ब्रैसिका जुन्सिया है। ठीक है, इथोपियन आपका मस्टर्ड ब्रैसिका कैरिनाटा है, और ब्रैसिका निग्रा ब्लैक मस्टर्ड या बनारसी राई। जो आपका ब्रैसिका सॉरी निग्रा है इसे ब्लैक मस्टर्ड या बनारसी राई के रूप में, बनारसी राई के रूप में भी जाना जाता है, बनारसी राई के रूप में भी जाना जाता है। किसे? आपके जो है ब्लैक मस्टर्ड को, या फिर कहें आपके ब्रैसिका निग्रा को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करें सही आंसर की तो ब्रैसिका रेपा सर्वाधिक जो है विश्व में सर्वाधिक व्यापक रूप से फैला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ब्रैसिका रेपा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहां पर, ऑप्शन ए ब्रैसिका रेपा सर्वाधिक विश्व में फैला हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, इफ ओनली वन इरिगेशन इज अवेलेबल फॉर व्हीट इट शुड बी प्रोवाइडेड एट, यदि गेहूं के लिए केवल एक सिंचाई उपलब्ध है तो उसे किस चरण पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए? फ्लावरिंग स्टेज पर, पुष्पन अवस्था, ग्रेन फिलिंग स्टेज या अनाज भरने का चरण,
क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज या शीश जड़ प्रारंभ अवस्था या मैक्सिमम टेलरिंग स्टेज या अधिकतम कल्ले फूटने की अवस्था। किस अवस्था में हम क्या करेंगे, आपकी जो है यदि पहली सिंचाई उपलब्ध है आपकी गेहूं में तो आपका जो है किस अवस्था में करेंगे। तो सभी को पता है सीआरआई, एक सिंचाई उपलब्ध है तो सीआरआई में, दो सिंचाई उपलब्ध है तो एक कहेंगे हम सीआरआई में, दूसरी फ्लावरिंग के समय, तीन सिंचाई उपलब्ध है तो एक हम सीआरआई पर, दूसरी बूटिंग पर, तीसरी हम फ्लावरिंग के स्टेज पे करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन जो है या शीश जड़ आरंभन जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, बिच वाज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर सेल, बिक्री के लिए पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी थी। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन ए है आलू, बी है आपके तंबाकू की सॉरी टोमेटो फ्लेवर सेवर, या फिर कहें तबैको, या फिर कहें कॉफी। किसमें जो है पहली आपकी अनुवांशिक रूप से संशोधित या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है आपकी जो है वैरायटी थी, या फिर कहें कौन सी किस्म जो है जेनेटिकली पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म थी। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं, ठीक है, सभी में शेयर कर दो। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहां पर टमाटो की या फिर टमाटर की जो फ्लेवर सेवर किस्म है पहली जो है बिक्री के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, पहली तो देखो तंबाकू में थी लेकिन बिक्री के लिए कह रहा है, तो सेल के लिए आपकी जो पहली किस्म थी वो टमाटो की फ्लेवर सेवर थी। कौन सी थी, टमाटर की फ्लेवर सेवर बिक्री के लिए, लेकिन पहली जो जेनेटिकली इंजीनियर डेवलप की गई थी वो आपकी तंबाकू में की गई थी, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किस्म की डेवलप की गई थी वो टमाटर में, लेकिन बात करें आपकी जो है बिक्री के लिए तो आपका जो है आपका क्या हो जाता है आंसर जो है टोमेटो फ्लेवर सेवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, 25, यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, बेस टेम्परेचर फॉर व्हीट एज, गेहूं के लिए आधार तापमान, आधार थोड़ा उस साइड चला गया है, ठीक है, आधार तापमान कितना है, 10 डिग्री सी, 15 डिग्री सी, 25 डिग्री सी या 4.5 डिग्री सी, बताइए। बेस टेम्परेचर किसके लिए आपका गेहूं के लिए कितना चाहिए होता है, बेस टेम्परेचर बीट एज गेहूं के लिए आधार तापमान कितना चाहिए होता है। 25 तो नहीं चाहिए भैया, आधार, आधार मतलब सबसे लो, सबसे कम, है ना। तो सबसे कम कितना चाहिए होता है, 4.5 डिग्री सी जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 26वां प्रश्न है, 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ पिगन पी रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन फॉर हायर यील्ड, अरहर के विकास के किस चरण में अधिक उपज के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है, पॉड डेवलपमेंट एंड राइपनिंग स्टेज, या फिर कहें फलियों का विकास और पकना, ब्रांचिंग एंड पॉड डेवलपमेंट शाखाएं निकलना और फलियों का विकास, फ्लावरिंग एंड राइपनिंग फूलना और पकना, ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग शाखाएं निकलना और फूल आना। किस समय जो है हमें ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है अरहर में, या फिर कहें तेज धूप की आवश्यकता होती है। तीन नहीं होता, 4.5 डिग्री सी समथिंग होता है आपका, ठीक है, सिक्सटी प्लस, बिल्कुल 60 प्लस आपको एग्रीकल्चर में नंबर। अरे भैया व्यूअर बोल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने शेयर किया, ठीक है, आज ही आप लोगों ने 60 प्लस व्यूअर पहुंचा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो ऑप्शन सी, जब फ्लावर या फिर फूल आने की अवस्था होती है और जब राइपनिंग की अवस्था होती है या फिर कहें फसल पकने के लिए तैयार होती है तो उस समय कितना चाहिए होता है, नॉर्मली हमें तेज धूप की या फिर कहें ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन, कब आपके फूलने और पकने की,
पकने की अवस्था पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द अर्ली मैच्योरिंग फील्ड पी वैरायटी, मटर की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है, हरभजन, स्वर्ण रेखा, हंस या फिर कहें किन्नौरी। कौन सी किस्म जो है आपकी जो है जल्दी पकने वाली किस्म है मटर की, बता दीजिए आंसर, ए बी सी या फिर डी। बिल्कुल नागेंद्र मिश्रा जी, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। मटर की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है, तो भैया वो है आपकी हरभजन। हरभजन जो है आपकी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, या फिर कहें जल्दी पकने वाली वैरायटी है। कौन सी है, हरभजन है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नहीं है, हरभजन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न दिया हुआ है, सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर सोयाबीन इज, सोयाबीन के लिए आवश्यक बीज दर कितनी होती है, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन के लिए बीज दर कितनी आवश्यकता होती है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। भिंडी की भी है, हाँ 70 से 75, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें जो है बीज दर की आवश्यकता होती है, किसमें आपका, सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29वां प्रश्न है, सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर पर्ल मिलेट इज, बाजरा के लिए आवश्यक बीज दर है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, बाजरा के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, जल्दी से आंसर कर दो। 15 kg, 4 से 5 kg, या फिर कहें आपका 10 kg, या फिर कहें आपका जो है 20 kg। तो भैया हमें जो है सीडेड बाजरा के लिए पर्ल मिलेट के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है, 4 से 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 30 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्राम इज, चने की खेती के लिए इष्टतम तापमान सीमा कितनी है, 35 से 40, 10 से 15, 20 से 35, या 40 से 45, बताइए इष्टतम टेम्परेचर कितना है, इष्टतम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है चने की खेती के लिए। तो ये चने की खेती के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, सर ऑब्जेक्टिव सिमिलर लाया करो, सिमिलर मतलब बताइए, चने की खेती के लिए इष्टतम तापमान 20 से 35 डिग्री सी कितना चाहिए होता है, 20 से 35 डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता है, 20 से 35। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, रेटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, निम्नलिखित में से किस फसल में रेटूनिंग का अभ्यास किया जाता है, सुगर कैन एंड नेपियर ग्रास, गन्ना और नेपियर घास में, सुगर वीट एंड सुगर कैन में, चुकंदर और गन्ना में, सुगर कैन एंड मेज, गन्ना और मक्का में, सुगर कैन एंड बाजरा, गन्ना और बाजरा में, बताइए आंसर क्या होगा। जो रेटूनिंग है वो किसमें की जाती, पेड़ी किसमें लाते हैं, पेड़ी किसमें ली जाती है, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। बताइए आंसर क्या होगा, पेड़ी फसल किसमें ली जाती है, ए बी सी या फिर डी, सही आंसर बताइए। ए ए ए, देखो सभी का आंसर ए आ गया, सुगर कैन एंड नेपियर ग्रास, गन्ना और नेपियर घास में क्या की जाती है आपकी, रेड टूनिंग की जाती है, गन्ना और नेपियर, बहुत सही, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाता है, सुगर कैन एंड नेपियर ग्रास। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31वां प्रश्न है, द ऑप्टिमम
कार्डिनल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड इज, चावल के बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम कार्डिनल तापमान कितना चाहिए? 30 से 32 डिग्री सी, आपका जो है 18 से 20, 18 से 38 से 40, या फिर 20 से 22। कितना टेम्परेचर जो है हमें आपके बीज, चावल के बीज के अंकुरण के लिए जो है चाहिए होता है? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। ऐसा पेपर आएगा तो कट ऑफ 70 जाएगी। देखो पेपर आपका कैसा भी आए, आपको 70 प्लस नंबर ही लाने हैं तब कुछ होगा, 70 प्लस। आज एसटीए ने बता दिया कट ऑफ कितनी हाई गई है ना, पेपर इजी था इस वजह से जो है एसटीए का जो है आपका कट ऑफ हाई गई। ठीक है, तो आराम से तैयारी करते रहिए, ये टारगेट बनाइए कि 65 में से 60 तो एग्रीकल्चर करना है। ठीक है, 65 का 65 तो नहीं हो पाता है, लेकिन 60 एग्रीकल्चर का बनाइए, 15 में से 10 कंप्यूटर का बनाइए। ठीक है, और 20 में से 15 का टारगेट बनाइए आपका यूपीजीके का, तो आराम से आपका कितना बन जाएगा, 85 के समथिंग। और 85 जो है, अच्छा नागेंद्र मिश्रा जी ले, मनीष दादा अगर आए तो कट ऑफ 90 प्लस। 90 प्लस तो नहीं है, ठीक है, आप 85 की अगर ये लेके चल रहे हो ना तो 85 में आपके आराम से 70 प्लस नंबर आ जाएंगे। एसटीओ की कट ऑफ तो नहीं पता चला है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 30 से 32। अंकुरण के लिए जो इष्टतम तापमान चाहिए होता है वो 30 से 32 डिग्री सी चाहिए होता है, 30 से 32। ठीक, इतना नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आराम से बस पढ़ाई करते रहिए, सेट पेपर लगाते रहिए। ठीक है, आपका जो है जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे ना आपकी लाइव क्लासेस में, ई बुक से, देखो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ जो बच्चे आपके नोट्स लेंगे, नोट्स से करेंगे, 65 में से 60 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ अपने नोट्स से, है ना। मैंने ऑफलाइन में भी बच्चों से बोला है कि बस आप जो है ये पूरे नोट्स तैयार कर लीजिए एग्रीकल्चर के, 65 में से आपके 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट कवर करेंगे हम, और अभी हमने किए हैं। एसटीए में 80 में से 70 क्वेश्चन डिट्टो हमारे जो है सेट पेपर से, या फिर कहें किसी भी सोर्स से जो क्वेश्चन रहे हमारे, जो ऑफलाइन में दिए हैं मैंने, टेस्ट में दिए हैं, कहीं से भी दिए हैं, तो वहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे कंटेंट से रहे हैं, और डिट्टो क्वेश्चन रहे कुछ तो सेम टू सेम क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कि आप जो है हमारा जो है कंटेंट पढ़ते हैं तो 60 मार्क्स की, 65 में से 60 की मेरी गारंटी है, लेकिन पढ़ना आपको होगा। और मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगा कि 65 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के थे उसमें से 60 क्वेश्चन यहीं से आए हैं आपके। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में लगभग 75% दाल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिम्मेदार है? मूंग बीन एंड लेंटिल, मूंगफली और मसूर, ग्राम एंड पिगिन पी, चना और अरहर, पिगिन पी एंड मूंग बीन, अरहर और मूंगफली, ग्राम एंड मूंग बीन, चना और मूंग, बताइए आंसर क्या होगा। कॉन्टेक्ट देखो सभी के पास है हमारा, है ना, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। तो देखो सभी ने बी आंसर, चना और अरहर, आपका ग्राम और रेड ग्राम दोनों ही आपका 75% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारा जो कंटेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा हमारी, visionagriacademy.in, साथ में साथ एप्लीकेशन है आपकी, नीचे लिंक मिल जाएगा। अभी थोड़ा एक हफ्ते के लिए प्ले स्टोर पर नहीं है, तो नीचे आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है।
33वां प्रश्न लिखा हुआ है, जैपनीज मस्टर्ड सीड आर मिक्स्ड विद बरसीम सीड बिफोर सोइंग है, जापानी सरसों को बुआई से पहले बरसीम के साथ मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, मस्टर्ड इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ बरसीम पाउडर, सरसों बरसीम के चारे के स्वाद को बढ़ाती है। मस्टर्ड एक्ट एज अ रिले क्रॉप, सरसों एक रिले क्रॉप फसल के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी, मस्टर्ड प्रोवाइड ऑयल सीड विथ फॉर्डर, सरसों चारे के साथ तिलहन प्रदान करती है। मस्टर्ड इंक्रीज द फॉर्डर यील्ड ऑफ बरसीम इन द इनिशियल फर्स्ट कट, शुरुआत पहली कटाई में सरसों से बरसीम की चारे की पैदावार बढ़ जाती है। तो बताइए कि आपका जो है जापानी सरसों की बुआई से पहले बरसीम के साथ मिश्रित क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया ये किसका काम करती है, आपका ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स, ऑग्यूमेंट संवर्धित फसलें, पड़े हो क्या संवर्धित फसलें पड़े हो, इसकी पीडीएफ आपको विजन एग्री एकेडमी वेबसाइट पर मिलेगी और ऐप स्टोर मिलेगी, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डी 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 डी, देखो डी आपका क्या है, एक ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप या फिर कहें संवर्धित फसलों का उदाहरण है। संवर्धित फसलें क्या होती हैं आपकी, वह फसलें जिनको एक साथ या फिर कहें चारे की उपज के लिए आपका जो सरसों को उगाना ये क्या कहलाता है, संवर्धन, जिससे आपकी पहली फसल के साथ मतलब कि ये कहें कि मुख्य जो वह फसल जो मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए जो है उगाई जाती हैं वह संवर्धित फसलें कहलाती हैं, ठीक है, वह फसलें जो आपकी मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं वह कौन सी, संवर्धित। और यहां पर एग्जाम्पल कह रहा है, क्या कह रहा है, मस्टर इंक्रीज द फॉर्डर यील्ड ऑफ बरसीम, इसमें जो है बरसीम की जो है उपज बढ़ा देता है शुरुआती दौर में, कौन आपका जो है सरसों, तो यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चे कह रहे थे सर लेवल नहीं है क्वेश्चन का, अब देखो लेवल अच्छा लगा ना, लेवल ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको चाहिए हो नोट कर लो 7880497104, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34, 34वां प्रश्न है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमोंग द फूड ग्रेन इज, खाद्यान्नों में प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, अनाज है, तिलहन है, बाजरा है या दालें हैं। तो भैया हमें पता है कि हमारी जो प्रोटीन का स्रोत है वो अच्छा स्रोत क्या है, हाँ ऐसी क्रॉप जो मेन क्रॉप की यील्ड को बढ़ा देती है, ऑग्यूमेंट क्रॉप कहलाती है। बहुत बढ़िया मनीष कुशवाहा जी, बहुत अच्छे, बताइए आंसर, प्रोटीन का स्रोत क्या है, दालें हैं, है ना, तो दालें हमारी जो है समृद्ध स्रोत है, किसका आपका प्रोटीन का, किसका आपका प्रोटीन का, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न दिया हुआ है, Which of the following is an indicator crop for boron? निम्नलिखित में से कौन सा बोरॉन के लिए एक संकेतक फसल है, सुगर बीट, चुकंदर, मेज, मक्का, सनफ्लावर, सूरजमुखी, पटेटो, आलू, कौन सी जो है फसल आपकी जो है बोरॉन के लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करती है, बताइए आंसर ए बी सी या फिर डी। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 20% ऑयल, बहुत बढ़िया अरविंद राज जी। सनफ्लावर, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर बोरॉन के लिए इंडिकेट संकेतक पौधा कौन सा है, यहाँ पर सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, क्या है आपका सूरजमुखी जो है बोरॉन के लिए क्या है इंडिकेटर प्लांट का काम करता है, ठीक। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सूरजमुखी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 है, द सीडलेस वाटरमेलन इज ड्यू टू, बीज रहित तरबूज किसके कारण होता है, डिप्लॉयड, द्विगुणित के कारण, टेट्राप्लॉयड के कारण, आपका जो है पेंटाप्लॉयड के कारण या फिर कहें ट्रिप्लॉयड के कारण, जो आपका तरबूज जो होता है बीज रहित होता है वो ट्रिप्लॉयड के कारण होता है, ट्रिप्लॉयड होने के कारण या त्रिगुणित होने के कारण जो है कैसा होता है बीज रहित होता है, कैसा होता है बीज रहित होता है, सोडियम सुगर बीट, हाँ जी
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट कॉजेस द रेड कलर ऑफ वाटरमेलन, तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन, एंथोसायनिन या फिर कहें बूथ ए एंड सी दोनों, आपका जो है ए और सी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो तरबूज का लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो भैया जो तरबूज में आपका लाल रंग होता है ना, वो आपका लाइकोपिन के कारण भी होता है और आपका एंथोसाइनिन के कारण भी होता है। तो यहाँ पर ए एंड सी नहीं होगा, सॉरी ए और बी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लाइकोपिन और एंथोसाइनिन दोनों के कारण जो है आपका जो है लाल रंग होता है, किसमें, आपका तरबूज में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए, पानी पी लिया जाए, है ना, गला सूखने लगा है चिल्लाते चिल्लाते। एक घंटे की क्लास हो गई, अभी 38 क्वेश्चन हुए हैं। बहुत बढ़िया नागेंद्र मिश्रा जी, अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है, लिख रहे हैं कमेंट में, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 38वां प्रश्न है, फ्लिया बीटल इंसेक्ट सीम्स टू बी प्रीडोमिनेंट, फ्लिया बीटल की प्रमुखता, कीट प्रमुखता लगता है किसमें, डेट पाम खजूर में, बनाना में, केले में, पोमग्रेनेट अनार में या ग्रेप्स में। फ्लिया बीटल का संबंध किस फल फ्रूट से है, किसमें लगता है आपका फ्लिया बीटल। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। तो भैया जो फ्लिया बीटल है ये किसका है, अंगूर का एक प्रमुख कीट है, किसका, आपका ग्रेप्स का, अंगूर का। आप सभी गलत है, सी नहीं होगा भैया, डी होगा। क्या होगा बच्चों, डी होगा, डी डी डी, ऑप्शन डी सही होगा, है ना, डी। फ्लिया बीटल आपकी ग्रेप्स या अंगूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आर का ज्योति, आर का ऐश्वर्या, आर वैरायटी, वैरायटीज ऑफ आर का ज्योति एवं आर का ऐश्वर्या किस्म है, वाटरमेलन की, तरबूज की, मुस्क मेलन खरबूज की, कुकुम्बर खीरा की, पम्पकिन कद्दू की, किसकी किस्में हैं भैया आर का ज्योति, आर का ऐश्वर्या। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों सही आंसर की यहाँ पर, तो आपकी जो ज्योति, आर का ज्योति और आर का ऐश्वर्या है, ये आपकी वाटर मेलोन या तरबूज की किस्म है, किसकी किस्म है, वाटर मेलोन या तरबूज की किस्म है, वाटर मेलोन, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां क्वेश्चन है, हूज वेराइटी इज पूसा स्नोवाल, पूसा स्नोवाल किस्म किसकी है, कॉलीफ्लावर, कैबेज पत्ता गोभी की, टर्निप सलजम की, नॉट कैबेज या गांठ गोभी की या फूल गोभी की। बताइए आंसर, जो आपका जो है पूसा स्नोवाल है वह किसकी किस्म है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। तो भैया जो पूसा स्नोवाल है वो किसकी किस्म है, कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की किस्म है, किसकी किस्म है, फूल गोभी, बहुत बढ़िया, कॉलीफ्लावर। देखो ए आंसर भर गया है, बहुत अच्छे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 41, 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न लिखा हुआ है, पूसा हरित वैरायटी बिलोंग टू, पूसा हरित किस्म किसकी है, बिटर गार्ड की, करेला की, स्पिनच की, पालक की, कैबेज की, पत्ता गोभी। आपकी जो पूसा हरित है वैरायटी है, पूसा हरित किसकी वैरायटी है, पूसा हरित किसकी वैरायटी, जल्दी से बता दीजिए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए। बिटर गार्ड करेला, करेला की तो नहीं है भैया, किसकी है भैया, स्पिनिच की है, पालक की है। पूसा हरित किस्म किसकी है, पालक की है।
अब भैया देखो, एक ने लिख दिया आपका जो है करेला, तो सभी करेले पे मरे जा रहे हैं, है ना। करेला नहीं होगा, है ना, बिटर गार्ड नहीं होगा भैया। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? स्पिनिच होगा। कॉपी करना छोड़ दो, आपका बी सही आंसर होगा, है ना, पालक होगा। यहाँ पर सभी लोग जो है कॉपी करना छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, मरे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पंजाब छुआरा वेराइटीज, पंजाब छुआरा किस्म है, डेट पाम की, खजूर की, बेर, पॉइंटेड गार्ड, परवल की, या टोमेटो की। देखो ये तो आप लोग इजीली बता दोगे, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा किसकी किस्म है। हाँ, वैरायटी में कंफ्यूजन है। टोमेटो, टोमेटो, देखो बहुत बढ़िया, टोमेटो की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? टमाटर की किस्म है भैया, पंजाब छुआरा, ठीक है। पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? टोमेटो की किस्म है। टोमेटो, देखो नितिन बरवा जी ने इतने सारे टमाटर डाल दिए, है ना। आजकल वो गाना भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43वां प्रश्न है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेडी फिंगर फ्रूट, भिंडी के फल का प्रकार कौन सा है, कैप्सूल, पोड, या फिर कहें बेरी, या फिर कहें सिलिकवा, क्या किस प्रकार का होता है आपका? आपका जो फल प्रकार होता है भिंडी का, उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी, राइट आंसर बताइए। 80 रुपए किलो है। हाँ जी भैया, हाँ, आंसर कर दीजिए। कैप्सूल होता है, क्या होता है? कैप्सूल। भिंडी का फल प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 44, 44वां प्रश्न है भैया, अन एल्ब्यूमिनस सीड सोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन इज, हाइपोजियल अंकुरण दर्शाने वाला एल्ब्यूमिनस बीज है, ग्राम चना, मेज मक्का, वीन लोबिया, या फिर कहें आपका कैस्टर अरंडी, किसमें आपका जो है हाइपोजियल अंकुरण होता है। तो भैया हमें पता है हाइपोजियल अंकुरण किसमें होता है? मक्का में होता है, और किसमें होता है? चने में भी होता है। चने में हाइपोजियल होता है ना, है तो आपके जो है नॉर्मली दलहनी फसल, लेकिन आपकी जो खरीफ दलहन होती है उनमें एपीजियल होता है, बाकी आपकी जो रबी है उसमें आपका कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। तो चने में हाइपोजियल होता है, साथ साथ मक्का में तो देखो होता ही है, सारी जो आपकी धान कुल या फिर कहीं घास कुल की जो परिवार के जो पौधे हैं उन सभी का जो है फल, सॉरी आपका जो है एक कहें कि अंकुरण प्रकार कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ग्राम भी हो जाएगा और मक्का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बता दिया है ग्राम और मक्का, ठीक, सॉरी नहीं है, एक मिनट एक मिनट, यहां पर एक लैंग्वेज है बच्चों, यहां पर एक लैंग्वेज है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा देखो, चने में तो हाइपोजियल होता है लेकिन यहां पर एक लैंग्वेज है, यहां पर लैंग्वेज है एल्ब्यूमिनस बीज, एल्ब्यूमिनस बीज, यहां पर लैंग्वेज क्या है? एल्ब्यूमिनस बीज है। एल्ब्यूमिनस जो है आपकी क्या है, एक तरह से प्रोटीन होती है, जो कि आपकी चने में तो नहीं होती है, किसमें होती है? मक्का में। तो सॉरी बच्चों, यहां पर जो आपका हाइपोजिल अंकुर दर्शाने वाला एल्ब्यूमिनस बीज जो है वो तो आपका केवल मक्का है। ऑप्शन बी यहां पर सही है, ऑप्शन चना, तो देखो चना आपका हाइपोजिल दर्शाता है, लेकिन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस जो है एक चीज भूल गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? मक्का होगा। एल्ब्यूमिनस बीज कहें तो आपका जो है सही आंसर क्या होगा? मक्का होगा, मेज है, मक्का है, ठीक है। एल्ब्यूमिनस बीज कौन सा है आपका? मक्का का होता है, ठीक, मक्का का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हाइपोजेल देखा हमने, एल्ब्यूमिनस बीज नहीं देखा, एल्ब्यूमिन नहीं देखा, ठीक है। हाँ, जीन प्रोटीन होती है आपकी मक्का में, ठीक है, लेकिन जो बीज होता है वो एल्ब्यूमिनस, मतलब कि ये कहें जो सीड कोट होती है या फिर कहें जो भ्रूण आवरण होता है, ठीक है, उसमें एल्ब्यूमिन की परत पाई जाती है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकोटाइलेडोन सीड, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्र नहीं है, ग्राउंडनट मूंगफली, ग्राम चना, बीन्स फलियां या मक्का। तो भैया यहां पर मक्का जो है द्विबीजपत्री नहीं है, बाकी वो आपको पता है फलियां या फिर कहें दलहनी फसलें, और आपके जो है यहाँ पर मूंगफली भी द्विबीजपत्री होती है, तिलहनी भी आपकी द्विबीजपत्री होती है, तो यहाँ पर जो नहीं है द्विबीजपत्री वो है आपका मक्का, मेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां प्रश्न है, साइंटिफिक नेम ऑफ सूरज सनफ्लावर, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है सिसमम इंडिकम, कार्थिमस टिंक्टोरियस, नेक्टेंथेस सैम्बेक, ये थोड़ा यहाँ से ऐड हो गया, नेक्टेंथेस सैम्बेक और हेलियंथस एनस, यहाँ पर जो है ये आपके ऑप्शन है। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा इसमें, हेलियंथस एनस, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो है सनफ्लावर का बॉटेनिकल नेम क्या है, हेलियंथस एनस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच प्लांट फैमिली डज मिंट बिलोंग टू, पुदीना किस पादप परिवार से संबंधित है, पुदीना का संबंध किस पादप परिवार से है, जिंगरबेरेसी, इरिकेसी या फिर कहें आपका लेमिएसी या फिर कहें मेजेटी, किससे संबंधित है आपका जो पुदीना है वह किस परिवार से संबंधित है। हाँ, कार्थियम टिक्टोरिया कुसुम का होता है, थोड़ा सा ये चेयर हटा दे रहे हैं इस वजह से बोर्ड पर सही से नहीं दिखता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, विच प्लांट फैमिली डज मिंट बिलोंग टू, पुदीना किस परिवार से आता है, लेमियासी परिवार से जो है आपका पुदीना आता है, बहुत बढ़िया, जो सी लिख रहे हैं बहुत अच्छे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न है, विच वन इज इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप, कीट जाल फसल कौन सी है, लेडी फिंगर, अरहर, कैस्टर या फिर कहें मेज या मक्का, यहां पर जो है जाल फसल कौन सी है या फंदा फसल या ट्रैप क्रॉप कौन सी है, फंसाने वाली फसल कौन सी है, बताइए आंसर। बेसिकली पहले मैं बता दूं कि आपकी ट्रैप क्रॉप क्या होती हैं, वह फसलें जो मुख्य फसल के चारों ओर मुख्य फसल को कीट रोग आदि जैसी एक आदि से बचाने के लिए जो है उगाई जाती हैं, जैसे आपका कपास के चारों ओर क्या उगाया जाता है, कपास के चारों ओर आपका लेडी फिंगर भिंडी उगाई जाती है, क्योंकि सेम फैमिली से है, एक ही परिवार से है, तो मालवेसी कुल से आपका जो है कपास है, मालवेसी कुल से भिंडी है, तो जो आपके कीट होते हैं या रोग होते हैं वो एक ही फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसे नुकसान पहुंचाएंगे, आपके लेडी फिंगर को। जैसे टमाटर में आपका गेंदा लगाया जाता है, ठीक है, आपका फ्रूट बोरर से बचने के लिए, ठीक है, और आपका मूंगफली में रेड हेरी कैटरपिलर से बचने के लिए, लाल वालों वाली कैटरपिलर से बचने के लिए हम लोबिया उगाते हैं। ठीक है, ये आपका अभी UFO में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दाल चारे और हरी खाद की फसल के रूप में किया जाता है, काउपी लोबिया का, ब्लैक ग्राम उर्द का, ग्रीन ग्राम मूंग का या पी मटर का, किस फसल का प्रयोग आपका चारे के लिए भी किया जाता है, दलहनी फसल के रूप में भी किया जाता है, और आपका नॉर्मल सा ये कहें कि आपका जो है हरी खाद के लिए भी किया जाता है, तो बताइए आंसर ए बी सी या फिर डी। 49A लोबिया, बिल्कुल सही, काउपी, काउपी को किस नाम से जाना जाता है, वेजिटेबल मीट कहा जाता है ना, रोसा, हाँ जी रोसा ही है, आपके यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज से रोसा बोलते हैं, रोसा काउपी है ना, ये आपकी खाद वाली फसल है, दाल वाली भी है और चारे वाली भी है, कौन सी आपकी, काउपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, बेस्ट सीजन फॉर पोटैटो कल्टीवेशन इज, आलू की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, समर, गर्मी वाला, खरीफ, रबी,
उपरोक्त सभी, आलू किस मौसम में उगाया जाता है? आलू किस मौसम में उगाया जाता है, बताइए आंसर। अरे लोबिया जैसा तो हो गया, काउपी तो होता है, ये रौसा नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा, आलू किस मौसम में उगाया जाता है? भैया सीधी सी बात है, आपका आलू कब उगाया जाता है? ठंडियों में उगाया जाता है। ठंडियों में कौन सा मौसम होता है आपका जो है, कैसा मौसम होता है आपका? रबी सीजन चलता है ना? तो रबी सीजन, रौसा जैसा ही तो होता है भैया, काउपी, रौसा नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाता है? रबी। ठीक है, तो आपका जो आलू है रबी मौसम की फसल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, पाल्म रोजा कम्स अंडर द फैमिली ऑफ, पाम रोजा किस परिवार के अंतर्गत आता है? कन्वोलेसी, यूफोरबियेसी, पोएसी या प्लांटिजिनेसी? जो आपका पाम रोजा है किस परिवार के अंदर आता है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? पाम रोजा किस परिवार के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया, टीपीएस रामानुजन और एसटीपी पुष्कर नाथ, है ना? तो बताइए आंसर, पाम रोजा किस परिवार में आता है आपका? पोएसी परिवार में आता है। ठीक है, पोएसी या ग्रेमनी परिवार में आता है पाम रोजा, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52वां प्रश्न है, 52वां प्रश्न लिखा हुआ है आपका, दिया हुआ है, विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इज मोर सुइटेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती के लिए फसलों का कौन सा समूह अधिक उपयुक्त है? सीरियल अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल सील तिलहन या उपरोक्त सभी, आलोप बीज? बताइए आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका जो जैविक खेती के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त हैं? तो भैया वो है आपकी दाल वाली फसलें, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जैविक खेती के लिए क्या है उपयुक्त है, कौन सी आपकी दाल वाली फसलें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53, 53वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ ओपियम इज यूज्ड इन कफ सीरप? कफ सीरप में निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से अफीम के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अब भैया जो आप खांसी वाली शीशी पीते हो ना, तो उसमें भी आपका क्या रहता है, आपका जो है अफीम का जो है मात्रा रहती है, अफीम में जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो होता है। तो ऑप्शन ए है थियाबेन, आपका ऑप्शन बी है कोडीन, ऑप्शन सी है आपका जो है मॉर्फिन, मॉर्फिन। ठीक, मॉर्फिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, आपका जो खांसी वाली शीशी है, अच्छा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आया था ये, बताइए आंसर क्या होगा, यूपी में अफीम की खेती बाराबंकी जिले और फैक्ट्री गाजीपुर, बताइए आंसर क्या हुआ यहां पर? मॉर्फिन, मॉर्फिन नहीं है भैया, कोडीन है। कौन सी है? कोडीन का प्रयोग किया जाता है, जो कफ सीरप रहती हैं उनमें जो है अफीम का कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है आपका? कोडीन प्रयोग, मॉर्फिन नहीं किया जाता, कोडीन, ऑप्शन बी कोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, 54वां प्रश्न है, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द
क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व राइस वीट फैलो एंड वीट, चावल गेहूं प्रति गेहूं को शामिल करते हुए फसल चक्र की फसल सघनता प्रतिशत क्या होगी? 200%, 150%, 300% या 100%? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर फसल सघनता निकालते हैं, फसल वर्ष में फसलों की संख्या अपॉन में फसलों के वर्ष। तो यहाँ पर देखिए फसलों में, एक तो देखो चावल गेहूँ, चावल खरीफ में होगी, गेहूँ आपकी रबी में होगी, प्रति आपकी कहाँ पर हो गई? आपके नॉर्मली ये कह सकते हैं प्रति आपकी जायद में हो गई, है ना। मैंने पेपर, मैं पेपर नहीं दे पाया था एसटीए का, मेरी ट्रेन लेट हुई थी जिस दिन आपका जो है पेपर था, ठीक है। सुबह 7 बजे मैं इटावा पहुंचा था क्योंकि रूट चेंज हो गया था उस दिन ट्रेन का, ठीक है। तो जो है लेट हो गई थी ट्रेन, जिस वजह से मैं निकला तो शाम को था कानपुर के लिए। ललितपुर से कानपुर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो है ट्रेन लेट हो गई थी क्योंकि ग्वालियर से इटावा, इटावा से फिर कानपुर जा रही थी, तो बीच में इटावा के बीच एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था जिस वजह से ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है। तो एसटीए का पेपर मेरा छूट गया था। 200%, 200% देखो, 200% नहीं होगा, अच्छे से देखो फसल चक्र को। ये देखो चावल गेहूं प्रति एक वर्ष हो गया, ठीक है। गेहूं जो चला जाएगा वो दूसरे वर्ष में चला जाएगा, कितने में चला जाएगा? दूसरे में। यहां पर फसलों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 फसलें कितनी है? 3 है। प्रति को नहीं गिनेंगे हम, प्रति को नहीं गिनते हैं, प्रति को फसल में नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रति को फसल में नहीं लेंगे, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा, 150 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहां पर? आपकी जो है 150 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा क्योंकि 3 तो हमारी फसलें हैं और आपके वर्ष कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, इंटू 100 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 150%, 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगा, ठीक है। फैलो को हम नहीं शामिल करेंगे, खाली है वो, थोड़ी ना फसल है आपकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन रिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉयल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करती है? गेहूं, सनफ्लावर, सूरजमुखी, पी मटर या राइस? प्रति को नहीं गिनना है, प्रति नहीं लिया जाता है, ठीक है। प्रति नहीं लिया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा। तो भैया मटर यहां पर दलहनी फसल है, तो दलहनी नाइट्रोजन से क्या करेगी? समृद्ध करेगी मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 56वां प्रश्न है, विच ऑफ दीज प्लांट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है? कॉटन, कपास में, गेहूं में, ग्राम चने में, मस्टर्ड में या सरसों में? तो सभी को पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं किसमें होते हैं? चने में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? चने में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है? गेहूं, धान, कपास या उर्द? तो सबको पता है दलहनी फसल जो होती है उर्द जो है मृदा की उर्वरता को क्या करेगी? बढ़ाएगी, है ना। तो यहां पर सही आंसर हो जाता है आपका उर्द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 प्रश्न है, व्हाट इज द बिल्ड स्पीसीज ऑफ सुगर केन, गन्ने की जंगली प्रजाति कौन सी है? सैकेरम ऑप्सिनेरम, सैकेरम बर्वेरी, सैकेरम ऑप्टुनेनम, ऑप्टुनम या फिर कहें सैकेरम रोबस्टम? कौन सी प्रजाति गन्ने की जो है बिल्ड स्पीसीज या फिर कहें जंगली प्रजाति है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए,
कौन सा जो है यहां पर जंगली गन्ना है? बी बी नहीं होगा भैया, यहाँ पर जो आपका सैकेरम रोबस्टम है, रोबस्टम जो है कैसा है आपका, जो है जंगली गन्ना है। कैसा है? जंगली। आपका जो बर्बेरी है ये आपका भारतीय गन्ना है, भारतीय गन्ना, ठीक है। और सैकेरम ऑप्सिनेरम है, इसे नोबल गन्ना कहा जाता है, नोबेल गन्ना या नोबल गन्ना कहा जाता है किसे, आपका सैकेरम ऑप्सिनेरम को, ठीक, सैकेरम ऑप्सिनेरम को, ठीक। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 59 है। द टॉक्सिक एल्केलॉयड इन द लीव्स ऑफ सोरगम क्रॉप इज, ज्वार की फसल की पत्तियों में पाया जाने वाला विषैला क्षार कौन सा है? सोरगम की पत्तियों में पाया जाने वाला विषैला क्षार कौन सा है? बताइए आंसर। H2SO4, HCN ऑप्शन बी है, HCN ऑप्शन सी है, HCl ऑप्शन डी है आपका H2S। बताइए कौन सा जो है क्षार, या फिर कहें सोरगम की पत्तियों कौन सा आपका जो है रसायन है, HCN या ड्यूरिन? बिल्कुल बढ़िया, सही, आपका जो है HCN ऑप्शन बी, HCN या फिर कहें आपका ड्यूरिन पाया जाता है आपकी ज्वार की, आपकी लीव्स या फिर कहें पत्तियों में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 60 है, 60वां प्रश्न लिया हुआ है। दुर्गापुर केसर इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, दुर्गापुर केसर एक महत्वपूर्ण किस्म है पटेटो की, आलू की, आम की, मैंगो की, वाटरमेलन, तरबूज की, ककड़ी की। दुर्गापुर केसर किसकी किस्म है? दुर्गापुर केसर किसकी किस्म है, ए बी सी या फिर डी? तो भैया बात करें दुर्गापुर केसर की, तो वाटरमेलन या तरबूज की एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी है आपकी? तरबूज की एक महत्वपूर्ण किस्म है आपकी दुर्गापुर केसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 61 है, 61वां प्रश्न है। 61वां प्रश्न में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, निम्नलिखित में से कौन सा लीची का खाने योग्य भाग है? फ्लैसी एरिल, मासर एरिल, कर्नेल, पेरिकार्प या फिर कहें थैलेमस। तो भैया लीची में क्या खाया जाता है? तो भैया लीची में जो खाया जाने वाला पार्ट है वो है फ्लैसी एरिल या फिर कहें मासल एरिल, जो है खाने वाला पार्ट होता है किसमें आपका, लीची के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 62, 62वां प्रश्न है। अ सिंपल वन सीडेड फ्रूट विथ पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ द सीड कोट इज नोन एज, बीज आवरण से जुड़े पेरिकार्प वाले एक साधारण बीज वाले फल को क्या कहा जाता है? नट, अचेन, कैरियोप्सिस या फिर कहें आपका सेपसेला। बताइए जो आपका एक सिंपल फ्रूट जो आपका पेरिकार्प से जुड़ा होता है फ्यूज के द्वारा या फिर कहें जुड़े पेरिकार्प वाले एक साधारण बीज को क्या कहा जाता है? बताइए आंसर। तो भैया हम उसे क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं, कैरियोप्सिस। जैसे आपका धान में जो है बीज जुड़ा होता है, जैसे आपका गेहूं में जुड़ा होता है, ये सारा का कैरियोप्सिस कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 63, 63वां प्रश्न है। इसबगोल बिलोंग टू द फैमिली, इसबगोल परिवार से संबंधित है चिनोपोडिएसी से, पोएसी से, प्लांटेजिनेसी से या कार्थिमस से? किससे संबंधित है आपका जो है इसबगोल? तो भैया इसबगोल किस फैमिली से है? प्लांटेजिनेसी परिवार से, प्लांटेजिनेसी परिवार से। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 64 है। चिनोपोडिएसी इज द फैमिली ऑफ, चिनोपोडिएसी परिवार से कौन सा फल है या फिर कहें कौन सी फसल है? ओकरा, भिंडी, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पोटैटो, आलू या स्पिनच? यूफोरबिएसी परिवार से कौन सा पौधा आता है? तो भैया स्पिनच या पालक किस परिवार से संबंधित है आपका जो है? यूफोरबिएसी परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 65 और आपके एग्रीकल्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो पूसा मैजेस्टी इज अ वेराइटी ऑफ, पूसा मैजेस्टी एक किस्म है ग्वावा की, अमरूद की, नींबू की, सिट्रस की, पपाया की, पपीता या केले की। पूसा मैजेस्टी किसकी किस्म है, बताइए आंसर जल्दी से। तो भैया पूसा मैजेस्टी किसकी किस्म है, पपाया या फिर कहें पपीता की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों, पपीता की। यहां पर आपके 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के समाप्त हो जाते हैं। आगे जो पार्ट है, अगला पार्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर यूपी जीके के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। हमारे जो लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, आपका जो है ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको लॉगिन कर लेना है और आपको जो है एक कहें कि वहां से आपको परचेस कर लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है जो है कंप्यूटर के, ठीक। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। तो फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सबसे ज्यादा पपेन पूसा मैजेस्टी, चौसठ गलत बताया, पालक चिनोपोडियसी से नहीं है, बताओ। देखो आपकी जो एक कहे पालक है, पालक बेसिकली अमरेंथेसी से बिलोंग करती है, लेकिन जो अमरेंथेसी है इसे प्रीवियसली या फिर कहे पूर्व रूप में या फिर कहे अमरेंथेसी है वो चिनोपोडियसी से है, ठीक है। तो वो सही है ना, पालक सही है आंसर, ठीक है। आपकी जो है ये कहें कि जो आपकी अमरेंथेसी है ये आपकी आई है कहां से, चिनोपोडियेसी से, ठीक है। चिनोपोडियेसी आई है अमरेंथेसी, पालक सही है, कंफ्यूज मत कीजिए। यहां पर सही आंसर की बात करें तो कंट्रोल डी से हम क्या निकालते हैं, फॉन्ट, ठीक है। यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोग्राफिक एरिया कवरेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नेटवर्क हैज द मोस्ट कवरेज। भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से नेटवर्क किस श्रेणी का कवरेज सबसे अधिक है, लैन का, वैन का, लैन का या फिर कहें मैन का। लैन आपका जो है डबल वार हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क डबल वार आ गया ऑप्शन में, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया भौगोलिक क्षेत्र कवरेज कौन करता है, बैंड करता है, वाइड एरिया नेटवर्क करता है, कौन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क करता है, ठीक। वैन, आगे बढ़ते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, IBM 360 सीरीज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360 श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से कंप्यूटर संबंधित है, पहली, चौथी, दूसरी या तीसरी। तो ये कल आया था हमारा, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन आज। IBM 360 किससे संबंधित है, आपका तीसरी पीढ़ी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, 69वां प्रश्न है, उनहत्तरवा प्रश्न दिया हुआ है, रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय द
सेम यूजर विथाउट हैविंग टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को संदर्भित करता है जिसके द्वारा वह प्रोग्राम के एकाधिक प्रतियों के बिना एक ही उपयोगकर्ता द्वारा किए गए एकाधिक अनुरोधों को प्रबंधित कर सकता है। मल्टी एग्जीक्यूटिंग, बहु निष्पादन, मल्टी थ्रेडिंग या फिर कहें मल्टी प्रोसेसिंग या फिर कहें मल्टी टास्किंग, क्या कहा जाएगा इसे? तो भैया मल्टी थ्रेडिंग जो होता है, आपका जो मल्टी थ्रेडिंग होता है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को संदर्भित करता है जिसके द्वारा वह प्रोग्राम की एकाधिक प्रतियों के बिना एक ही उपयोगकर्ता द्वारा किए गए एकाधिक अनुरोधों को क्या करता है, प्रबंधित करता है। कौन करता है? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होगा, मल्टी थ्रेडिंग होगा सही आंसर यहां पर, है ना, मल्टी थ्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 है, 70वां प्रश्न है। व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिटेक्टेड, यदि पेन ड्राइव का पता ना चले तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है डिवाइस मैनेजर, फिर राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब, फिर इनेबल डिवाइस। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर भी यही है। सही आंसर आपका क्या है? डिवाइस मैनेजर में जाइए, राइट क्लिक करिए यूएसबी रूट हब पर और इनेबल डिवाइस कर दीजिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यदि पेन ड्राइव आपका पता ना चले मतलब कनेक्ट ना हो तो उसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है? डिवाइस मैनेजर में जाना है, राइट क्लिक करना है यूएसबी रूट हब पर और इनेबल डिवाइस कर देना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। कौन जो है आपका क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट क्या बताता है आपका? क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटिंग को जो है संदर्भित करता है। कौन आपका? क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 है, 72वां प्रश्न है। ट्रिपल डब्ल्यू 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 ब्राउजर एफटीपी एंड एचटीटीपी एग्जिस्ट इन द लेयर ऑफ द सेवन लेयर ओएसआई मॉडल। डब्ल्यू ट्रिपल डब्ल्यू ब्राउजर एफटीपी और एचटीटीपी सेवन परत ओएसआई मॉडल की परत में मौजूद है, नेटवर्क लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में या ट्रांसपोर्ट लेयर में, किसमें उपलब्ध होता है? तो भैया ये होता है आपका अनुप्रयोग या फिर कहें एप्लीकेशन लेयर में। आपका जो डब्ल्यू डब्ल्यू ब्राउजर है वो कहाँ पर होता है? आपका जो है एप्लीकेशन लेयर। बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, 72B। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73वां प्रश्न है। 73वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ स्टार्टिंग इन द रेंज A1 to A20 इन अ वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल फॉर्मूला एक वर्कशीट में A1 से A20 तक की सीमा में एक स्ट्रिंग में कोशिकाओं की संख्या की गणना करता है? काउंट A1 आपका जो है A20 इंटू काउंट एफ सॉरी काउंट आई एफ ए वन आपका जो है A20 इंटू काउंट A1 A20 आपका जो है इन्वर्टेड कॉमा में आपका इंटू और काउंट IF जो है आपका A1 A20 आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपका इंटू। बताइए आंसर यहाँ पर। तो भैया काउंट IF, ठीक है, इसका प्रयोग हमें नॉर्मली A1 से A20 तक के जो है आपकी सारी जो आपकी सेल्स होती हैं उनका करने के लिए, उनका पता लगाने या फिर कहें आपके जो गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAR विच टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी टू बी एक्सेस्ड। MAR का पूर्ण रूप क्या है जो मेमोरी में एक्सेस किए जाने वाले अगले स्थान का पता रखता है? मिनिमम अर्थमेटिक रजिस्टर, ऑप्शन बी है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
मेमोरी, एड्रेस, रजिस्टर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है MAR का फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 है, 75वां प्रश्न है। इन विच ईयर गूगल लॉन्च एज अ सर्च इंजन, गूगल को सर्च इंजन के रूप में किस वर्ष लॉन्च किया था? 1998, 1995, 1997, 1999 में कब जो है आपके गूगल को सर्च इंजन के रूप में जो है क्या किया, लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1998 में गूगल को सर्च इंजन के रूप में लॉन्च किया गया था, 1998। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है। इनिशियली इंटरनेट वाज नॉट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इट वाज अ स्मॉल नेटवर्क नोन एज। प्रारंभ में इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क नहीं था, यह एक छोटा नेटवर्क था जिसे कहा जाता था आर्पानेट, न्यू नेट, एडीपी नेट, या फिर कहें एडीपी नेट। तो भैया आर्पा नेट कहा जाता, शुरुआती तौर पर इंटरनेट को आर्पा नेट कहा जाता। 1998 होगा, 97 नहीं है, आर्पा नेट कहा जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77वां प्रश्न है। HTTP इज अ फॉलोड बाय एंड, HTTP के बाद और आता है डॉट, टू फॉरवर्ड स्लैशेस, टू डॉट बैक स्लैशेस, डॉट्स अंडर स्कोर कॉलम, टू फॉरवर्ड स्लैशेस। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? HTTP के बाद क्या आता है? तो भैया कॉलम आता है, कॉलोन आता है, और टू फॉरवर्ड स्लैशेस आते हैं HTTP के बाद। ठीक, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 है। वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेज इन लाइन विथ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो। वह पहला ब्राउजर था जो छवियों को एक अलग विंडो में प्रदर्शित करने के बजाय पाठ के साथ इन लाइन प्रदर्शित करता था। मोजिला, मोजेक, लिनक्स या ओपेरा, कौन सा ब्राउजर है? तो भैया वो है आपका मोजेक। मोजेक ब्राउजर जो है पहला था जो छवियों को एक अलग विंडो में प्रदर्शित करने के बजाय पाठ के एक इन लाइन में प्रदर्शित करता था। ठीक, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, 69वां प्रश्न है, सॉरी 79वां प्रश्न है। आ यूनिकली आइडेंटिफाइज, आ यूनिकली आइडेंटिफाइज डिफरेंट वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइटों को विशिष्ट रूप से पहचानता है मैक एड्रेस, वाईफाई, डोमेन नेम या प्रोटोकॉल, क्या पहचानता है? तो भैया हमारा डोमेन नेम पहचानता है, क्या पहचानता है आपका? डोमेन नेम से पहचाना जाता है वेबसाइट को, है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट है कंप्यूटर का आपका। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली इन रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर हैड डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड कुकीज। कुछ कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः निर्मित हो जाती है, इन्हें कुकीज कहा जाता है। थर्ड पार्टी, जॉम्बी, परसिस्टेंस या सेशन। तो भैया इस प्रकार की कुकीज जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? जॉम्बी कहलाती है। क्या कहलाती है? जॉम्बी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसमें बढ़िया से आंसर करिएगा। हमें पता है कंप्यूटर बहुत कम लोगों से बनता है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो है 81वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला है और आपका जो है सेट पेपर का 81वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कौलक्षनाथ गोयल, द्वारका प्रसाद मिश्र या विजय लक्ष्मी पंडित, बिशंबर दयाल। तो भैया बिशंबर दयाल जो थे प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। कौन? बिशंबर दयाल। अगला क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन जो UPGK से, राज्य व्यवस्था से, कहाँ से है? राज्य व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 82 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1947, 1976, 1980 या 1984 में? तो भैया जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो है 1976 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायतें हैं? लगभग 42,000, लगभग 25,000, लगभग 58,000, लगभग 52,000। तो भैया लगभग
लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 58,000 जो है आपकी जो है एक है ग्राम पंचायतें हैं, किसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, 84वां प्रश्न है। आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि आपके जो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। प्रथम तो बिशंबर दयाल थे, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने निकाय हैं? 1,980, 1,020 या 915 है? प्रशासनिक निकाय सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने निकाय हैं? 59K। अरे अभी लगभग बताया ना। हाँ जी संजय मिश्रा सही जा रहे हो, अरविंद राज जी प्रेजेंट में जो है संजय मिश्रा हैं, ठीक है। तो आपके प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा के उत्तर प्रदेश के कितने निकाय हैं? 915 हैं। कितने? 915। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष। तो भैया संवैधानिक प्रमुख जो होता है उत्तर प्रदेश का वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक जो है प्रमुख होता है। कौन भैया? राज्यपाल। ठीक, यूपी जीके के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं, उसका कारण है क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, आज लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? 18, 16, 20 या 22? प्रशासकीय मंडल कितने हैं आपके? 18 हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया वह हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर बीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी और बीपी सिंह। किसने जो है आपके जो है मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के और आपके जो है प्रधानमंत्री भी रहे आपके भारत के, बताइए कौन थे वो? तो भैया वो थे आपके चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में साथ प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया इनने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? 1948, 1959 में, 1958 में या 1991 में? कब बनाया गया था पंचायती राज विभाग? तो भैया कब बनाया गया था? 1948 में बनाया था। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया? 1948 में। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि बोलते बोलते आज पूरा भाँस लग गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 89, 89वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई थी? विधान परिषद अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1945, भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या फिर कहें भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अस्तित्व में आई थी। कौन से आपका जो है आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा, बताइए आंसर क्या होगा।
आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया वो किया जाता है उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 91 है, 28 जुलाई 2019 उत्तर प्रदेश की 34वीं राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश का गठन होने के बाद 25वीं राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? सूर्य प्रताप शाही ने, ब्रजेश पाठक, राम नायक या फिर कहें आनंदी बेन पटेल। तो भैया आनंदी बेन पटेल जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं, 34वीं राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 92 प्रश्न नंबर 92 है, किस राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पेश किया था? किस राजनीतिक दल ने आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पेश किया था? बीजेपी ने, सीधा लिख रहे हैं ऑप्शन ए है, भारतीय जनता पार्टी ने, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस ने, ऑप्शन सी है आपका समाजवाद पार्टी, सपा, एसपी लिख दे रहे, सपा लिख दे रहे, ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो आपका भारत, सॉरी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है 2000 में पेश किया था बीजेपी ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था। किसने पेश किया था? बीजेपी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो है पेश किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 93 है, 93 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत, टी एन सिंह, नित्यानंद स्वामी या राम नरेश यादव? कौन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भैया वो थे नित्यानंद स्वामी, जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? अकबर अली खान, बीबी मलिक, रोमेश भंडारी, बीएल जोशी। किसने जो है उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? बीबी मलिक ने। किसने? बीबी मलिक ने आपका जो है राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 25 फरवरी 1968 में, 8 मार्च 1968, 28 फरवरी 1968, 5 मार्च 1986 में। कब जो है, सॉरी 1986, कब जो है आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? नागेंद्र भाई एसी से यहां चले आए। अब देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, कहूंगा नहीं कुछ, है ना, एसीसी वालों का तो भला होने वाला है अच्छे से। बिहार में हुआ ही है, बीएओ में, एमपीआरईओ में हुआ ही है, बच्चों का भला, है ना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी आप समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 25 फरवरी 1968 में हुआ था। कब लागू किया था? 25 फरवरी 1968 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? 3 माह, 14 दिन, 28 दिन तक या फिर कहें 75 दिन तक। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक जो है आपका विलंबित कर सकती है? तो भैया 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। ठीक, 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, सी 3, 4। तो भैया अब तक 2 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, वो है आपकी एक तो सुश्री मायावती और एक है सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भैया उत्तर प्रदेश का आपका जो है राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व क्या है? ज्यादा है। 80 सीटें जो है आपकी लोकसभा की हैं। ठीक है, 80 सीटें लोकसभा की हैं और 30 सीटें राज्यसभा की हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मायावती, सरोजिनी नायडू। तो भैया सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम व भारत के किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री रही थी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? 822, 922, 1022 या 722। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए 822 जो है विकास खंड है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम बताते हैं ACC का, ठीक है, हमारा सेट हो गया है, तो अब हम बताते हैं कहानी क्या है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, वहां की कहानी ये है, वही वो AFO में देते हैं, वही AGTM में देते हैं, और वही सारा आपका जो है बिहार में। अब बिहार वाले बच्चे है ना, अब समझ जाओ आप लोग, आप लोग जो बिहार का BAO का एग्जाम देने गए हो और ACC का बैच लिया हो, कितने क्वेश्चन फंसे थे बता दो जल्दी से, है ना। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ AFO में, मात्र 50%, 30 क्वेश्चन आते 60 में से, ठीक है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं उनका हो जाता है, मतलब केवल ACC, अगर कि आप ACC के सोर्स पर रहोगे ना, अदर से किसी बुक से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि आप डूबने वाले हो, नैया डूबने वाली है आपकी, है ना। ACC के आपका 50% हर एक किताब से फंस जाता है, इतना तो कोई भी बुक पढ़ लेना उससे फंस जाएगा 50%, ठीक है। आप देख के देखना AFO का पेपर, AFO में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में, वरना आप लोग कहोगे सर अपना प्रमोशन करने के लिए बोल रहे हो, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो तैयारी किया हूँ वहाँ से, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इस कारण, ठीक है, मैंने तैयारी की है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर अगर कि हाँ मैंने पढ़ा है, इसलिए तो आज AFO नहीं हूँ, अगर ACC से नहीं पढ़ता ना, खुद के नोट्स बना के पढ़ता तो आज AFO होता मैं। देखो वहाँ का क्या है, अगर कि थोड़ा सा पॉइंट भी आ जाए ना क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ये कह देते ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए जिसको कोर्स के बारे में जानना है थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, केवल वहाँ का प्रमोशन का खेल है, होता है कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ का केवल प्रमोशन का खेल है। तो भैया देखो आपके जो ब्रह्मास सेट पेपर यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है, 60 सेट। IAS पटेल बोल रहे हैं अब AFO होता तो यहाँ नहीं होते। देखो AFO के साथ साथ ये तो हमने जो है टीचिंग तो सोचा ही था, सही बता रहे हो आप। अभी देखो बिहार वाले जो BAO का देके आए हो ना, ACC वाले उनसे पूछ लेना, MPREO वाले उनसे पूछ लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। 60 सेट पेपर आपको कराने वाले हैं, ठीक है, इसके किसके, आपके ब्रह्मास सेट पेपर 60 कराने वाले हैं, जिसका PDF आपको जो है पेड है, 249 रुपये का है, ठीक है, और आपका जो है एक लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी AGTA के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में साथ आपका जो है टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी AGTA के लिए, 40 फुल लेंथ सेट मिलने वाले हैं, और आपका जो है PDF कोर्स चल रहा है, बस हमारा इतना ही चल रहा है। सर कहते हैं कि Air 1, ये सब खरीदे हुए होते हैं, खरीदे हुए होते हैं ये, है ना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन में बेवकूफ़ बनाया जाता है, पहली बात सुनो, ऑनलाइन में देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऑनलाइन में कहते हैं कि आप केवल नोट्स पढ़ो, केवल क्या कर पढ़ो, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो केवल उनके, जबकि ऑफलाइन में ये खुद आपसे, देखो ऑनलाइन में कहेंगे नेमरा सुंडा मत पढ़ो, लेकिन ऑफलाइन में ये बच्चों को नेमरा सुंडा भी पढ़ाते हैं, अरुण कात्यान भी पढ़ाते हैं, जितनी भी बुक हैं वो सारी पढ़वाते हैं वहां पर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल,
ठीक है, हमें किसी से देखो कोई वो नहीं है। हमें तो देखो सच्ची बताऊं, मैं 2 साल से डिपेंड था ACC पर, और मेरा मतलब कि जब मैं एग्जाम में जाता था तो लगभग 30 क्वेश्चन फंस रहे हैं 2000। जब मैं, सर कहते हैं कि कोई आए गलत प्रूफ करे 50,000 दें, अरे सब वो है ना। तो ये क्या करते हैं कि ऑफलाइन में सारे नोट, मतलब कि सारी बुक से पढ़ाते हैं। आपसे कहेंगे कि आप केवल हमारे नोट्स पढ़िए, लेकिन ऑफलाइन में ये सारी बुक्स देंगे उन्हें। अरुण कात्यायन भी देंगे, नेमराज सुंडा भी देंगे, जितनी भी आपकी फेमस बुक है ये सारी बुक पढ़वाते हैं। और फिर तो देखो आपका, अगर ये सारी बुक पढ़ लो तो देखो ईयर वन तो आना आ ही सकते हो, है ना। तो वो ऑफलाइन का बच्चा था, जो ईयर वन था वो ऑफलाइन का बच्चा था, ऑनलाइन का नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन में बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको, ठीक है। ऑफलाइन में वो सारी बुक्स पढ़वाते हैं, लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। तो मैं तो देखो सच्ची बताऊं ना, ACC से नफरत करता हूं। मैं 2 बार वहां से धोखा खा चुका हूं, ठीक है। कस्टमर हूं, हक वो बनता है, मैं कोचिंग के उससे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। और मेरा लेना हो बिल्कुल मत लीजिए मेरा कोर्स, ठीक है, मैं उससे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक।